आपने केले की सब्जी तो कई बार खाई होगी, केले के चिप्स भी कई बार खाएंगे, लेकिन क्या आपने कभी केले के पराठे खाए? जी हाँ दोस्तों, आज हम बनाएंगे कच्चे केले से बहुत ही ज्यादा टेस्टी पराठे। दोस्तों आपने एक बार केले का पराठा बना के खा लिया है दोस्तों, तो आप हर बार इसी पराठे को खाना चाहेंगे, आप इसके आगे सारे पराठे खाना भूल जाएंगे दोस्तों। और इस पराठे को बनाना बहुत आसान है, बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी बनके ये रेडी हो जाता है चुटकियों में। आप इसे घर में रखे सामान से ही रेडी कर सकते हैं दोस्तों। एक बार इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका आशा स्पेशल किचन में। देखिए दोस्तों, ये हमने सबसे पहले गैस की फ्लेम पे कढ़ाई में पानी डाल लिया। ये हमने 3 गिलास पानी डाला, इसमें हम कच्चे केले डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने 5 कच्चे केले इसमें डाल लिए हैं और इसे मैं एक लिड से कवर कर दूंगी। करीब 10 से 12 मिनट तक हम इसे बॉयल करेंगे, मीडियम फ्लेम पे हम इन्हें पकाएंगे। दोस्तों जब केले का रंग काला पड़ जाएगा तो समझिए कि ये उबल गए हैं। दोस्तों हमें 12 से 13 मिनट हो गए, अब हमने लिड देखिए हटा ली और ये देखिए हमारे केले हैं ना, इनका कलर देखिए काला सा पड़ गया है। अब हमें इन्हें ज़्यादा बॉईल नहीं करना है क्योंकि ओवर कुक भी हमें नहीं करना है। देखिए दोस्तों, अब इन केलों को हम निकाल लेते हैं, हमने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया। अब इन केलों को हम किसी प्लेट या थाली में निकाल लेते हैं और इसे हम ठंडे होने के लिए रख देंगे। अब देखिए दोस्तों, ये केले जो है ना हमारे ठंडे हो चुके हैं। अब एक नाइफ लेते हैं और इसकी हेल्प से हम सारे छिलकों को उतार लेंगे। धीरे धीरे करके इस तरह से आप छीलते जाइए, सारे छिलके उतर जाएंगे, या आप अपने हाथों से भी इन्हें आराम से उतार सकते हैं। जैसे कि पक्के केले के छिलके बहुत आराम से उतर जाते हैं ना, इसी तरह से जब केले उबल जाते हैं ना तो इनके छिलके बहुत आराम से निकल जाते हैं सारे। अब सारे केलों को हमने एक पॉट में डाल लिया। अब इसमें हम इस तरह से नाइफ से पीसेस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, राउंड राउंड पीस हम सारे केलों के कर लेंगे। दोस्तों आप चाहें तो साबुत केलों को भी मैश कर सकते हैं इसी तरह से बिना काटे, या फिर आप इस तरह से काट लेते ना तो आसानी से ये मैश हो जाते हैं। और दोस्तों इसमें जो हम मसाला डालेंगे ना, वो भी बहुत अच्छे से इन केलों में मिक्स हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमने सारे केलों को काट लिया है, अब इसमें हम कुछ सामग्री डालेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने प्याज, एक बड़े साइज का प्याज मैंने बहुत ही बारीक टुकड़ों में काट लिया था, उसे मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अब देखिए दोस्तों, इसमें हम लहसुन डाल रहे हैं। ये मैंने 10-12 लहसुन की कलियां इन्हें ग्रेटर से ग्रेट कर लिया, उसे डाल लेती हूँ। और 5-6 हरी मिर्च को मैंने बारीक पीस में काट लिया, उसे भी ऐड कर लेते हैं। और 1/2 इंच मैंने अदरक का टुकड़ा, इसे भी ग्रेटर से ग्रेट कर लिया, इसको भी डाल लेती हूँ। और अब इसमें मैं स्वाद के अनुसार नमक डाल रही हूँ। अब इसमें दोस्तों मैंने 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाला, थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाएगा इसलिए हमने हल्दी पाउडर ऐड करा है। और 4-5 चुटकी मैंने इसमें हींग डाल लिया है। 1/2 चम्मच मैं इसमें साबुत जीरा भी ऐड कर लेती हूँ। और 1/2 ही चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला है। आप ज़्यादा चटपटा खाते हैं तो आप मिर्च की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे हमने क्या करना है, सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर देना है। इन केलों में हम मिक्स कर देंगे, उसके बाद इन केलों को हम हाथों से ही मैश कर लेंगे या फिर आप मैशर से मैश कर लीजिए। दोस्तों इन केलों को हमने बहुत अच्छे से मैश कर लिया है, सारे मसाले इसमें मिक्स हो गए हैं। और दोस्तों इसका कलर आप देख रहे हैं कितना प्यारा आ रहा है दोस्तों, और ये टेस्टी भी बहुत ज़्यादा बन के रेडी हुआ है। अब देखिए दोस्तों, हमने जो आटा है वो लगा लिया है। देखिए दोस्तों, जैसे कि हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं ना, इसी तरह से हमने गेहूँ का आटा रोटी की तरह गूंथ के रख लिया। अब देखिए दोस्तों, उसमें से हमने एक लोई तोड़ी है। दोस्तों हमने बहुत बड़ी लोई तोड़ी है, जैसे कि स्ट्रीट स्टाइल में पराठा बनता है ना बड़ा सा, वही हम पराठा बनाएंगे। हम पतला सा और छोटा सा पराठा नहीं, बड़ा सा मोटा सा पराठा बनाएंगे। इसके लिए देखिए ये लोई ले लिए मैंने, इसमें अब कटोरी सी बना लेती हूँ। तो इस तरह से हम गड्ढा सा कर लेंगे इस लोई में। अब देखिए दोस्तों, हमने जो आटे की लोई में गहराई करी थी उसमें हमने स्टफिंग भर ली। आप ढेर सारी स्टफिंग भर लीजिए, जितनी ज़्यादा स्टफिंग होती है उतना ज़्यादा पराठा टेस्टी लगता है। और दोस्तों ऊपर से हम इसका मुंह घुमाते हुए बंद कर देंगे, जो एक्स्ट्रा आटा निकलेगा उसको हम अलग कर देंगे। और देखिए इस तरह से हम गोल गोल करके फिर इसका हम मोटा सा पराठा, बड़ा सा पराठा रेडी करेंगे।
दोस्तों हमने जो ये पराठा बनाया ना, इतना बड़ा हम ये पराठा बना रहे हैं कि आपने अगर एक पराठा खा लिया तो आपका पूरी तरह से पेट भर जाएगा, लेकिन हाँ आपका मन नहीं भरेगा क्योंकि ये टेस्टी इतना लगता है कि आपका मन करेगा और खा लें, लेकिन एक ही पराठा काफ़ी है आपके लिए। अब देखिए दोस्तों, हमने इस पराठे को बेलन से अच्छे से बेल लिया है, बिल्कुल गोल पराठा बना के रेडी कर लिया है। अब एक तरफ हमारा जो तवा है वो गर्म हो चुका है, अब इसके ऊपर इस पराठे को हम डाल देते हैं और थोड़ा सा सिक गया हमारा पराठा, अब इसे पलट लेते हैं और अब इस तरफ हम इसमें ऑयल लगाएंगे। आप ऑयल लगाइए, आप बटर लगा सकते हैं, आप देसी घी लगा सकते हैं, यहाँ तक कि आप सरसों तेल से भी इस पराठे को बना सकते हैं। तो इधर दोस्तों आपको घी ज़्यादा खाना पसंद है आप ज़्यादा लगा लीजिए, आप कम ऑयल का यूज़ करते हैं तो आप कम लगा लीजिए। दोस्तों करारे करारे पराठे बनाने हैं तो आपको ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही रखना पड़ेगा। अब दोस्तों देखिए, हमने इस तरफ एक साइड हमने ऑयल सारे पराठे में लगा लिया है। अब दोस्तों इसको हम पलट लेते हैं और पलट के अब इस पराठे को हम दूसरी तरफ से ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरफ भी हमने ऑयल से ग्रीसिंग कर ली इस पराठे की। अब हमने जो साइड पलटी हुई वो साइड भी हमारी अच्छे से सिक गई है। अब इस पराठे को हमने दोबारा से पलट लिया, देख रहे हैं आप इसका कलर कितना प्यारा है, कितना बढ़िया ये हमारा पराठा बनके रेडी है। देखिए दोस्तों, अब ये पराठा हमारा सिक गया, इसे यमी लुक देने के लिए हम इसमें पीसेस कर लेंगे। दोस्तों ये देखिए, मैंने नाइफ ले ली, इससे मैं चार पीस करूंगी। अभी पराठा गर्म है दोस्तों, इसलिए काटने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। अब देखिए दोस्तों, इसे हमने काट लिया, ट्रायंगल शेप दे दिया, ऐसा लगेगा हम पराठा नहीं हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं। बच्चे बहुत इंजॉय के साथ इसे खाएंगे। चलिए दोस्तों, अब दूसरा पराठा हम फुल स्टफिंग के साथ रेडी कर लेते हैं। दोस्तों ये पराठा सिर्फ टेस्टी नहीं होगा, ये हेल्दी भी होगा। जब दोस्तों हम आलू का पराठा खाते हैं तो कई बार हमें गैस बन जाती है, बहुत से लोग आलू को भी अवॉइड करते हैं, लेकिन केला बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही खाने में टेस्टी और हेल्दी होता है, आयरन से भरपूर होता है। दोस्तों आप इस पराठे को खुद खाइए, बच्चों को खिलाइए, आपको बिल्कुल भी गैस नहीं बनेगी, आप इसे कितना भी खा लीजिए आपको बहुत आराम से डाइजेस्ट भी हो जाएंगे ये पराठे। लीजिए दोस्तों, तो ये हमने दूसरा पराठा भी अपना बना के रेडी कर लिया, कितना बढ़िया स्टफिंग के साथ ये फूला फूला हमारा पराठा बन के रेडी हुआ है। दोस्तों जितना कि हमने स्टफिंग रेडी करी थी, जितना हमने आपको केले की स्टफिंग दिखाई थी, उससे हमने बड़े बड़े चार पराठे रेडी कर लिए हैं। दोस्तों जब इस पराठे को हमने बनाया तो हमने और हमारे बच्चों ने इसे बड़े शौक से खाया। दोस्तों हमें बहुत पसंद आए ये पराठे दोस्तों, और दोस्तों इसे खाने के बाद बिल्कुल भी हैवी महसूस नहीं हुआ दोस्तों। और दोस्तों आप भी इस पराठे को बना के ज़रूर खाइए दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये पराठे बेहद ज़्यादा पसंद आएंगे। दोस्तों आपको कोई भी बीमारी हो, कोई भी परेशानी हो, तब भी आप इस पराठे को खा सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नुकसान देगा। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, आप बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो जरा सा भी पसंद आया दोस्तों तो लाइक शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। और दोस्तों हमेशा मैंने आपको कहा है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और बेल आइकन को भी आप दोस्तों जरूर प्रेस किया कीजिए, जिससे कि आपके पास मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच सके। दोस्तों मिलते हैं दोस्तों आपसे आने वाले अगले वीडियो में।